क्या आपको पता है कि सीआईडी के पहले एपिसोड को शूट होने में 6 साल लगे थे। सीआईडी से जुड़ी टॉप सीक्रेट बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहते हैं। नंबर वन, आपको पता है कि सीआईडी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है। अरे वो अभिजीत का तारिका पर लाइन वाला नहीं, अबे साले। सीआईडी की टीम ने लगातार 111 मिनट यानी कि 1 घंटे और 51 मिनट तक शूटिंग करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और कमाल की बात यह है कि इस 111 मिनट तक के पूरे एपिसोड में एक सिंगल कट तक नहीं था। यह एपिसोड आज भी यूट्यूब पर डला है और इस एपिसोड का नंबर भी 111 थे। नंबर दो, जैसा कि आपको पता है कि सीआईडी के बंद हुए आज 5 साल हो गए हैं। सीआईडी बंद होने के बाद एक बंदे ने सेम कास्ट रखकर एक शो बनाया था सीआईएफ, पर यह शो ज़्यादा नहीं चला और 1 साल में ही बंद हो गया। पर इसमें कमाल की बात यह है कि इसमें काम करने वाले एक्टर दयानंद शेट्टी यानी कि दया और आदित्य श्रीवास्तव यानी कि अभिजीत, इन्होंने इस शो पर केस कर दिया। इनका पेमेंट नहीं मिला था, मतलब सीआईडी ने सीआईएफ पर ही केस कर दिया। नंबर तीन, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सीआईडी के पहले एपिसोड को शूट होने में 6 साल लगे, वो कैसे? जैसा कि आपको पता है कि सीआईडी का पहला एपिसोड 1998 में आया था, पर इस एपिसोड के 6 साल पहले ही शूट कर लिया था। पर इस एपिसोड को टीवी पर लाने में 6 साल का समय लग गया। नंबर चार, क्या आपको पता है कि शो में एसीपी प्रद्युमन का किरदार करने वाले एक्टर शिवाजी सत्तम ने शो में आने से पहले शो के मेकरों के साथ एक शर्त रखी थी कि अगर शो में अभिजीत नाम का रोल होगा तो ही वो शो में काम करेंगे। पर ऐसा क्यों? आपको बता दूं कि शिवाजी सत्तम का असली बेटे का नाम भी अभिजीत है। नंबर पाँच, ये वाली बात तो मैं जब सीआईडी देखता था जब सोचता था कि सीआईडी क्या असलियत में ऐसी होती है, तो जवाब है नहीं। असली में सीआईडी ऐसी बिल्कुल ही नहीं होती है। जैसे कि हमें सीआईडी में दिखाया जाता है, चोरी हो गई सीआईडी को कॉल कर दो, कोई लापता हो गया सीआईडी को कॉल कर दो, कोई मरने वाला है सीआईडी को कॉल कर दो, कोई का खून होने वाला है सीआईडी को कॉल कर दो, कोई का मर्डर होने वाला है सीआईडी का कॉल कर दो। अरे बस कर भाई। पर असली में कहां पर खून हो जाता है तो आपको कॉल पुलिस को ही करना पड़ेगा। सीआईडी जब तक केस में नहीं घुसती है जब तक उन्हें हाई कोर्ट से आदेश नहीं मिल जाता। नंबर छह, जैसा आपको पता है कि शो में अभिजीत का रोल शो में मेन है, पर इसमें कमाल की बात यह है कि अभिजीत का रोल करने से पहले एक्टर आदित्य श्रीवास्तव ने सीआईडी में खूनी का रोल करा था, मतलब खूनी से सीधे सीआईडी ऑफिसर। नंबर सात, सीआईडी एकमात्र ऐसा शो है जिसे इंडिया में तो पसंद किया ही जाता है, पर इंडिया के साथ साथ सीआईडी को पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में भी पसंद किया जाता है। सीआईडी को इन देशों में इंडिया जितना ही प्यार मिलता है। तो दोस्तों, यही थे सीआईडी की टॉप सीक्रेट बातें। आपको सीआईडी में से फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है नीचे कमेंट में बता देना। आपको ये जानना है कि आज ये सीआईडी के कलाकार क्या कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो देखना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।